हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस का ज्ञान। मैं प्रेमा भी आज आपके लिए लेके आई हूँ आपके पेपर से संबंधित। जैसे कि आप लोगों के अभी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड के हों, तो उसकी दृष्टि से आप लोगों के लिए जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह समांतर श्रेणी से रिलेटेड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो इस क्वेश्चन के अंत तक आप लोग बने रहें क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और क्यों है आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है। कितने पद है हमारे पास एपी में? 50 पद है। यानी कि एपी की सीरीज़ क्या होती है, मैंने आपको बताया था पहले भी अपनी वीडियोज़ में। एपी की जो सीरीज़ होती है उसमें क्या होता है, अगर हम किन्हीं दो टर्म को लेते हैं और उन दोनों टर्म्स को हम माइनस करते हैं, उसके बाद जो उनका डिफरेंस आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पद लिए 3.5 हमने लिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 5-3=2 आ गया। अब अगर हम इसके सेकेंड टर्म में इस डिफरेंस को ऐड करते हैं तो इसका थर्ड टर्म निकलेगा। जैसे देखिए 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब ऐसे ही थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालने के बाद जो डिफरेंस आएगा वह हम इसके थर्ड टर्म में ऐड करेंगे तो इसका फोर्थ टर्म आएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और एपी की एक खास बात यह है कि एपी की सीरीज वही सीरीज होती है जिसमें उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जो हमारी सीरीज है उसके बीच में जो पद हैं उन पदों का जो अंतर होगा, सार्वअंतर होता है, वह क्या होता है, समान होता है। इसीलिए वह सीरीज क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है, यानी कि हमारे पास जो सीरीज है उसमें कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। अब देखिए पदों को निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, an = a + n-1 × d, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पद दिया हुआ है, तो तीसरा पद यानी कि an की जगह क्या आ जाएगा, a3 क्या है, कितना है, 12 है। तो a3 की जगह अब जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a3 के बेस पे, तो देखिए क्या आ जाएगा, a + n-1 यानी कि 3-1। इस n की जगह कितना रखेंगे आप, जो वैल्यू आपकी n की होगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू 3 है, तो देखिए कितना आएगा, n-1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2d कितना आ गया, 12। इसको आपने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़िए, और अंतिम पद 106 है। अब सीरीज का जो अंतिम पद है वो 106 है, तो 106 जो अंतिम पद होगा उसको आप क्या लिखेंगे, देखिए सीरीज में हमारे पास टोटल 50 पद हैं, तो इसका अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद होगा। तो a50 कितना हो गया आपका, 106 है। तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग an की जगह कितना है, a50 है, तो n की जगह क्या होगा, 50, तो 50-1 कितना, 49। तो a+ कितना हो जाएगा, 49d = 106, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन बनाई। अब देखिए अब आपको निकालना है, इसके बाद 29वां पद ज्ञात करना है इसका, जो हमारे पास एपी की सीरीज है यानी कि समांतर श्रेणी की जो आपकी क्या है, सीरीज है, उसमें 50 पद हैं, उसका 29वां पद हमें निकालना है जिसका तीसरा और अंतिम पद हमें गिवन है यानी कि दिया हुआ है। देखिए किसी भी पद को निकालने के लिए हमें उसका सार्वअंतर या उसका पहला पद या उसके एन टर्म्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को घटाएंगे। तो देखिए समीकरण दो में से या सेकंड में से समीकरण एक को घटाने पर क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे। तो देखिए इसको आप घटाएंगे किस तरीके से, सेकेंड समीकरण लिखेंगे पहले, 49a + 49d = 106, और दूसरी समीकरण है आपकी a + 2d = 12। अब हमें इसे घटाना है, प्लस माइनस देखिए जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आप माइनस कर देंगे, तो a और a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब दो सेम वैल्यू में साइन अपोजिट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक साइड होते हैं तो साइन कट जाते हैं, और जब इक्वल्स के में जैसे कि a = a है तब भी यह क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, क्योंकि वो इक्वल में है। अगर वो LHS की साइड आएंगे तब भी कट जाएंगे और RHS की साइड जाएंगे तब भी कट जाते हैं, ये आपको पता होगा। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक करेंगे 49 में से 2d, तो 47d = आपका आएगा 94। तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई, 47 2 जो आपका होता है 94, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब देखिए हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें सार्वअंतर तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू भी पता नहीं है, तो d का मान कहाँ रखेंगे आप, d का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रखेंगे तो आपको वहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, तो मान हम रखते हैं समीकरण एक में।
एक में रखने पर। तो जब हम डी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी। तो समीकरण एक क्या थी, ए प्लस टू डी इजिकल टू हमारा कितना है 12। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस टू की वैल्यू कितनी है, सॉरी डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इजिकल टू 12। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, क्योंकि 12 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ गया 8 आ गया। तो आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर आ गया 2, और फर्स्ट टर्म यानी कि जो पहला पद होता है एपी का वो आ गया आपका 8। अब आपको निकालना है A29। क्या निकालना है, A29 आपके पास क्वेश्चन में आ गया कि आपको A29 निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d फॉर्मूला होता है। तो A29 के नीचे आप लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। देखिए अब आप इसके आगे लिखेंगे इस तरीके से, ये इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब आप देखिए A29 इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख सकते हैं A29 आपके पास क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 29, क्योंकि हमें 29 का पद निकालना है, माइनस 1। d की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 2 निकाली है। तो आप इसको रख दीजिए। अब देखिए A29 आपका कितना आ गया, 8 प्लस 29 माइनस 8 48, देखिए कितना आएगा 28, इंटू 2। अब देखिए A29 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 56 प्लस 8 जो आपका आ गया, A29 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 64। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में डायरेक्ट शॉर्ट करके सीधे कैलकुलेशन करके इसको हम 64 में लिख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ हुई है, उनके लिए पूरा लेंथी करना पड़ता है। तो देखिए हमारा जो 29 पद आया वो क्या आया 64। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या निकालना था, हमने तीसरा पद और अंतिम पद को लेके हमने दो इक्वेशंस बनाए, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद वहाँ से हमें डी की वैल्यू मिली, उस वैल्यू को हमने समीकरण एक में रखा, उस वहाँ से हमें ए का मान मिल गया यानी कि पहला पद या फर्स्ट टर्म मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमें पद निकालना है 29वां पद, उस 29वें पद में हमने जो पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें हमने क्या किया 29वां पद रख के जो हमने ए डी और एन की वैल्यू हमारे पास है हमने पुट कर दी, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया 29वां पद कितना आया 64। तो इस सीरीज का जो 29वां पद होगा वो होगा 64। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से या फिर इस लेसन से वो हमने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बता रखे हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।